सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी नई तरीके से चोली बनाना, ये ब्लाउज कटिंग और चोली किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे आपको एक नुक की चोली बनाती हैं तो इसमें नुक निकली आती है, तो आज मैं आपको दूसरी तरीके से बता रही हूँ चोली बनाना। तो सबसे पहले आपको इसकी चेस्ट का नाप लेना है। तो इसकी चेस्ट है 16.5, इसके पीछे के पल्लर है वो 13 इंच का है, ये शोल्डर है वो 10 इंच के हैं, तो हमें दो कपड़े एक ही नाप के काटने हैं। तो हम एक दूसरे के ऊपर अस्तल को रखेंगे, पहले दोनों अस्तल को बराबर रखें। अब हम यहाँ से 13 हमारी लंबाई है तो हम इसको 14 लेंगे, 5 इंच हम यहाँ से शोल्डर लेंगे इस तरीके से। बाजू के लिए हम यहाँ से 6 इंच लेंगे, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। चेस्ट 16.5 है तो यहाँ तक हमारी 16.5 चेस्ट होती है, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे। तो हमने पीछे का पल्ला निकाल लिया, अब हम इसको काटेंगे। अब हम इसकी चोली को देखें कितनी लंबी है चोली, तो इसकी लंबाई है, तो पहले हम इसका ऊपर वाला हिस्सा निकालेंगे, 4 इंच लंबाई है इसकी, 6.5 चौड़ाई है। ये अखबार हमारा डबल है इस तरीके से, तो पहले हम यहाँ पे 6.5 चौड़ाई लेंगे। चार इंच हम यहाँ से लंबाई, डेढ़ इंच हमारा ऊपर की लंग, ये बीच पे कट लगा हुआ है, तो हम 2 इंच लेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर वाला सैंपल निकाल लिया, अब हम नीचे वाला निकालेंगे। नीचे वाले को भी हम इसी तरीके से नापेंगे। ये हमारा नीचे वाला है वो 5.5 है, तो हम इसको 6.5 इंच लेंगे चौड़ाई में। यहाँ से हम नापेंगे तो ये हमारा 3.5 है, चार इंच हमारी लंबाई है तो हम इसको 4.5 ले रहे हैं। साढ़े पाँच हमारी इसकी चौड़ाई है तो हम इसको 6.5 लेंगे। पहले हमने इसको इस तरीके से चौकूटा निकाल लिया, अब हम इसमें एक शेप देंगे। तो ये हमारा गला है जो हमने पहली वाली चोली ली थी, यहाँ पे हमारे गले पे 2.5 इंच, यहाँ पे मतलब 1.5 इंच था, तो हमने 2 इंच का लिया क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा।
इसी तरीके से अब हमारा ये दूसरा भाग है, तो इसको हम नाप लेंगे। पहले 2 इंच का है तो इसको हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस पे। अब हमारा यहाँ से नाप लेंगे तो ये हमारा 3.5 है, तो हम यहाँ से 4 इंच लेंगे। इस तरीके से हमने ये 4 इंच लिया। अब ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, इसको हम और ये हमारा यहाँ पे से हमने गले वाला है जो वो 2.5 इंच लिया है और ये 1.5 इंच लिया है, तो हमने इसमें 0.5 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हमने 2 इंच ले लिया और इसको हमने 2.5 इंच ले लिया। जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ये हमारे गोल नीचे की तरफ से गोल है और ये हमारा सीधा है, तो पहले हम इसमें इस तरीके से इसको डबल करके यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से। इसमें हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो ये हमारी प्लेट यहाँ पे सिलाई से दब जाएगी, जिससे हमें इसमें जो चोंच आती है, जो हम एक प्लेट वाला ब्लाउज बनाते हैं जब उसमें वो चोंच आती है, तो इसमें वो चोंच नहीं आएगी, यहाँ पे दब जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने चोली बना ली। अब हमें इसका बगली का तीरा बनाना है। तो तीरे के जो हमारा गला वाला है इसको हम यहाँ से नापेंगे ब्लाउज के, तो ये 3.5 है। बाजू तो हम लेते ही हैं 6 इंच की, तो इसमें हम बाजू का तो शेप दे देंगे 6 इंच का। यहाँ से हमने गला नाप लिया, अब हम इसके यहाँ से चेस्ट नापेंगे, तो ये चेस्ट 3.5 है। तो हम यहाँ से 4 इंच का गला लेंगे, ये हमारा गला हो गया 4 इंच का, और 6 इंच के हमारे यहाँ से बाजू का शेप हो गया। ये हमने गले का निशान लगाया है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें ये शेप देंगे। अब हम इसमें इसकी चेस्ट को नापेंगे यहाँ से, ये हमारी 3.5 है, तो हम इसको 4.5 या 5 इंच भी ले सकते हैं गुंजाइश के हिसाब से। तो हमारी ये चेस्ट हो गई यहाँ से 3.5, तो हम यहाँ पे गुंजाइश के हिसाब से 5 इंच ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे गुंजाइश ली। अब हम इसका एक तीरा नापेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी चोली ऊपर चढ़ती है तो किस तरीके से चढ़ती है। तो अगर आपका ये तीरा बराबर होगा तो आपकी चोली ऊपर ना चढ़ेगी। यहाँ से तीरा जैसे ये तीरा 4.5 है लंबाई में, तो हम इसको 5.5 लेंगे 1 इंच बढ़ा के। इस तरीके से ये हमारा बगली वाला तीरा हो गया। ये हमारा यहाँ पे गला और इस तरीके से ये हमारी चोली बन जाएगी। इसको आप पहले अखबार पे काट के अच्छी तरीके से ये फर्मा बना लें जब आप कपड़े पे काटें। तो मैं आपको कपड़े पे काट के बताती हूँ। ये हमारे 2 अस्तर हैं, तो पहले हम इसको रखेंगे यहाँ पे।
अब हमारा जो बगली का कपड़ा है ये हमारा तीरा बन जाएगा। इसका तीरा भी हम नाप लें कि कितना तीरा है छोटा, तो हम इस तीरे की चौड़ाई को देख रहे हैं, तो ये 8 इंच की चौड़ाई है तीरे की, तो हम इसको 8 इंच की है तो 9.5 गुंजाइश के अनुसार हम इसको 9.5 ले रहे हैं। अब हम यहाँ से इस तीरे की लंबाई को कितना लंबा लगाए, तो ये 3.5 लंबा है, तो हम इसको 4 या 4.5 ले सकते हैं, तो हम इसको 4.5 ले रहे हैं। तरीके से तीरा नीचे का निकल गया। अब हमें चोली निकालनी है, तो यहाँ से हम चोली को निकालें। तो ये हमारे नीचे की चोली हो गई। अब हम बगली का तीरा निकालेंगे। इस तरीके से बगली का तीरा हो गया। इसमें से हम बाजू निकालेंगे, जितनी आप लंबी बाजू करना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें से बाजू निकल आएंगे। मैं आपको कपड़े पर रख के बताती हूँ कि इसी तरीके से हम ये कपड़े पर निकालेंगे। ये आप अच्छी तरीके से रख के देख लें, जितना आपका कपड़ा कम लगे उसी तरीके से आप इसको काटें। ये आपकी ऊपर की चोली हो गई, ये तीरा हो गया। अब हमें नीचे वाला तीरा निकालना है। तो ये हमारा नीचे वाला, इसमें से हमारी बाजू निकली आएंगे। तो आप इस तरीके से काटेंगे तो आपका कपड़ा काफ़ी कम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्टिचिंग बताऊं आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।